फेस पैक मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ, अब वेट कर रही हूँ इसके ड्राई होने का। और जैसे ही इसको वॉश करूंगी तो पता चलेगा इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, क्योंकि कोई भी रेमेडी, कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले उसको ट्राई किया जाता है। और मेरी तो हमेशा से ये आदत है कि पहले ट्राई करूँ और फिर बाद में आपको बताऊँ कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुमिना वसीमा। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत अमेजिंग रेमेडी। अगर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सिवियर किस्म की ब्लैकनेस का इशू हो चुका है, हो चुका है या पिगमेंटेशन हो चुकी है, तो ये इन तमाम इश्यूज को टारगेट करने वाली है। आप लोगों ने कब, कैसे और किस तरीके से इसको यूज करना है, कितना अरसा इसको यूज करते रहना है ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, तो उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो देखनी होगी। जाहिर सी बात है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को जल्दी से प्यार के साथ लाइक भी कर दीजिएगा। नीचे प्यार भरा कमेंट्स भी छोड़ा जा सकता है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरह। ये समर स्किन व्हाइटिंग होम रेमेडीज हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे एक होममेड क्लींजर, जिसे बनाना बहुत इजी है। एक खाली बाउल लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए एक चम्मच ग्लिसरीन। इससे पहले क्यों ना मैं आपको स्नैक वीडियो के बारे में बता दूं, अगर आपने मुझे वहां पर फॉलो नहीं किया तो शॉर्ट रेमेडीज देखने के लिए कर लीजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ना सिर्फ वीडियो देख सकते हैं बल्कि पैसे भी कमा सकते हैं दूसरों को इनवाइट करके। जिस तरह एक महीना पहले मैंने आपसे वादा किया था कि आप मेरा कोड लगाइए, मुझे जितनी अर्निंग होगी मैं आपको ही दे दूंगी, तो यहाँ 114 लोगों ने मेरा इन्विटेशन कोड पेस्ट किया है और मैंने अर्न किया है 19,600 रुपए। इन्वाइटेड फ्रेंड्स के नाम यहाँ नीचे शो हो रहे होंगे, मैं अगले 3 से 4 दिन में इन्हीं में से विनर चूज करके ये पैसे दे दूंगी। तो जल्दी कीजिए, आप भी स्क्रीन पर नजर आने वाला कोड इस जगह पर पेस्ट करके बाइंड नाउ पर क्लिक कीजिए और बाद में एक्टिव भी रहिए। हॉप फॉर दी गुड लक। अच्छा भाई, ग्लिसरीन का यूज ऑल स्किन टाइप इफेक्टिव है और अगर हम रात को सोने से पहले अपने हाथों पर और अपने फेस पर अकेली ग्लिसरीन लेकर लगा लेते हैं तो ये हमारे हाथों और फेस को बहुत ज्यादा स्मूथ और सिल्की बना देती है। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो है जी बेकिंग सोडा। ये पड़ा हुआ है यहाँ पर बेकिंग सोडा और इसको हम लोग किचन में काफी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, सो मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा ऐड कर दूंगी इसी बाउल के अंदर, क्योंकि हमारी स्किन पर जितनी भी टैन हो चुकी है या जितनी भी पिगमेंटेशन आ चुकी है उसकी लेयर को कट करने के लिए हम यहाँ पर बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं। इसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि इसकी अमाउंट बिल्कुल हम लोगों ने थोड़ी सी रखी है तो ये हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला। और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स आगे चल के इसके अंदर ऐड करने वाले हैं उनके साथ मिलकर इसके रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी ये हार्श हमारी स्किन पर नहीं रहेगा। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है जी बोरेक्स पाउडर। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से आराम से मिल जाएगा। इसकी कीमत जो है वो 17 से 20 रुपए के लगभग है, इस डिब्बी की इतनी सी की, और इसमें जो है ना 20 ग्राम आपको पाउडर मिल जाएगा, बिल्कुल फाइन पाउडर जो है वो आपको मिल जाएगा। ये भी हम लोग 1/4 चम्मच यहाँ पर इस बाउल में ऐड कर देंगे। अच्छा, ये काम क्या करता है, ये हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट रिजल्ट्स देगा। और आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बताते चलूँ कि अगर किसी के माइंड में ये बात चल रही है कि कहीं हमारे स्किन पर इसके रिजल्ट्स हार्श ना हो जाए, हमारी स्किन पील ऑफ ना हो जाए या हमें किसी किस्म का कोई डर है, तो यहाँ पर स्क्रीन को क्लोज करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप लोग दिल खोल कर तसल्ली कर लीजिएगा। आंखों की सुर्खी दूर करने के लिए इस पाउडर को पानी में उबालकर यूज किया जाता है। जरा ठंडा होने के बाद आंखों को धो लिया जाए तो आराम आ जाता है फौरी तौर पर, और अगर फिर भी ना आए तो डॉक्टर से रिज्यू कीजिए। अब आंखों से ज्यादा सेंसिटिव तो हमारा फेस नहीं हो सकता ना, सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारी पूरी बॉडी में जो पार्ट है वो हमारी आंखें होती हैं। सो आपकी बहन आपको कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज नहीं बताएगी, खासतौर पर फेस पर लगाने के लिए। सो भाई, आपकी बहन इस मामले में खुद बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लेती है, यू जस्ट डोंट वरी। सो इसे हम यूज कर सकते हैं आराम के साथ। अब जी मैं यहाँ पर थोड़ा सा कप के अंदर दूध लूंगी और उसे माइक्रोवेव में रखकर 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा गर्म कर लूंगी। अब जी गर्म दूध जो है वो हम लोगों ने इसी पैक की तैयारी के लिए यूज करना है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच इनफ है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, स्किन पर जितनी भी डेड स्किन की लेयर होती है उसको भी खत्म करता है और साथ के साथ हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से क्लींस भी करेगा। तो जी ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। इसके बाद हमारा जो लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट है वो है जी टर्मेरिक। तकरीबन 1 चुटकी यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसका फायदा ये होगा कि किसी भी किस्म का कोई स्किन रिएक्शन या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम बनता है तो ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, तो ये हमारी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प आउट करेगा। तो इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम लोग रख देंगे साइड पर और हम लोग अब बनाने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग सा लेकिन बहुत ही इफेक्टिव और सादा सा पैक। मैं यहाँ पर फिर से आपको रिमाइंडर देते चलूँ कि ये समर स्किन व्हाइटनिंग होम रेमेडीज हैं जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको टैन हो चुका है, अगर आपकी स्किन बर्न हो चुकी है, झुलस चुकी है, अगर आपको बहुत ही सीवियर किस्म की पिगमेंटेशन
हो रही है और साथ में स्किन पर बहुत ही ज्यादा डलनेस है, तो ये वाली होम रेमेडीज आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। आगे चल के बताऊंगी कि किस तरह से इनको ट्राई करना है और कितने वक्त तक आपको इनके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जो हमारा दूसरा पैक है उसको बनाना बड़ा आसान है। आप लोगों ने खीरे का रस ले लेना है 1 से 1.5 चम्मच बड़ा, और आप लोगों ने उसके जो बीज हैं वो भी साथ ही में ऐड कर लेने हैं। खीरा हमारी जिल्द के लिए बेहतरीन टॉनिक है, ये धूप से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और साथ के साथ जितने भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं हमारी आंखों के नीचे उसके लिए तो ये जबरदस्त काम करता है। सो ये हमारी स्किन पर बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड किया है, बीज आप लोगों ने साथ ही ऐड कर देने हैं। जो हमारा दूसरा इन्ग्रीडियंट है इस पैक को तैयार करने के लिए वो है जी हनी 1 चम्मच। कुदरत की बेहतरीन नेमतों में से एक शहद है, सो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच यूज किया है और यह हमारी स्किन को चमकदार बना देता है अगर हम इसे अकेला भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते रहें। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताते चलूं कि जिन लोगों की आंखों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, मतलब सुर्ख हो जाती हैं, दर्द करती हैं, सूज जाती हैं, तो कुछ लोग इसको पानी के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके अपनी आंखों के अंदर भी लगाते हैं ताकि आंखों की ये तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाए। और इसके साथ साथ जिन लोगों को दांतों में प्रॉब्लम रहती है तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके दांतों पर लगाने से दांत चमकदार भी हो जाएंगे और दांतों की जितनी भी तकलीफ है वो भी दूर हो जाएंगी। खैर जी, इस वक्त हम अपनी स्किन पर अप्लाई करने के लिए इसको यूज करेंगे 1 चम्मच। और हमारा जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है जी गंदम का आटा। सभी के घरों में, सभी के किचन में आराम से मिल जाने वाला इंग्रेडिएंट। और इन तमाम चीजों के जो इंग्लिश नेम है यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रहे होंगे। हसब जरूरत जो है वो हम यहाँ पर गंदम का आटा ऐड करते चले जाएंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे जब तक ये अच्छी सी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। अब जी, ये हमारा पैक बिल्कुल डन हो चुका है। अब हम इसे अपने धुले हुए फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इनकी एप्लीकेशन कैसे है, और साथ में जो ये वाला हमारा क्लींजर है इसको आप लोगों ने कॉटन के साथ अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। 3 से 5 मिनट तक इसको अपने फेस पर लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप लोगों ने हल्के हाथों के साथ क्लींजिंग करनी है और अपने फेस को सादा पानी के साथ, यानी के ठंडे पानी के साथ अगर धोएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वरना आप टैब वाले पानी के साथ भी इसे वॉश कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों ने इसे अगर डेली बेसिस पर लगाया तो आपको रिजल्ट बहुत 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 अच्छे मिलेंगे और आपके स्किन पर जो लेयर आ चुकी है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। और क्योंकि इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स इतने अमेजिंग और पावरफुल हैं कि आपकी पिगमेंटेशन का जो इश्यू है वो भी ऐसा ऐसा रिजॉल्व होने लगेगा। लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को ये बात बताती चलूं कि पिगमेंटेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं जाती। सो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको डेली बेसिस पर यूज करते रहना है ताकि आपकी पिगमेंटेशन जो है वो ऐसा ऐसा लाइटन अप होती चली जाए। और जो हमारा दूसरा पैक था ये वाला, इसके बारे में आपको ये बताते चलूं कि ये आपने वीक में 2 से 3 मरतबा जब भी आपको टाइम मिले आपने इसको लगा लेना है बनाकर, और 15 से 20 मिनट तक इसको लगा रहने दीजिए। उसके बाद इसको सादा पानी के साथ वॉश कर दीजिए, और जब अगर आप इसके साथ क्लींजिंग करें और फौरी तौर पर बाद में इसको अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के रिजल्ट मिलकर बहुत ज्यादा इफेक्ट देंगे, और आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। बाकी ये बनाना आसान, लगाना आसान, और इनमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है और ना ही इनमें कोई ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं। सारी चीजें आपको घर से मिल जाएंगी। ठीक है जी, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर ऐसा हो तो इसे भर भर के लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ भी इसे शेयर किया जा सकता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार भरा कॉमेंट भी नीचे छोड़ दीजिएगा। मैं किसी एक पर्सन का नाम अपनी टीवी पर अपनी वीडियो में फ्लैश करूंगी जो भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार से कमेंट करेगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।